भद्रवाह के सर पहले तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो लड़के या जो काम ये म्यूनसिपलिटी वाले करते हैं ये कोई नहीं करता, और ना जाने इनकी पे किस कारण से रिलीज नहीं की जाती है, बहुत शर्म की बात है। और गंदगी का तो ये हाल है भाई साहब कि दुकानों पे बैठना मुश्किल हो गया है। और जो टूरिस्ट आ रहे हैं, शाम को भी मेरी शॉप के सामने दो चार गाड़ियां रुकी, छोटे छोटे बच्चे थे, ये गंदगी देख के एक बैड इम्प्रेशन जो बैठा सेरी बाजार का या भद्रवाह का वो गौर करने काबिल है। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों के बारे में सोचें जो बेचारे सुबह सुबह 5 बजे हम अभी सोए होते हैं और ये 4 बजे आके हमारे मोहल्ले के हमारे सेरी बाजार की नालियों की सफाई करते हैं। इनकी पे रोकना या इनको तनख्वाह ना देना ये एक पाप है। तो बहुत बीमारियां फैल रही हैं, बहुत बीमारियां फैल रही हैं। मेरे पास ही कई बच्चे आते हैं डेली, कम से कम 20-30 बच्चे आ रहे हैं जो एलर्जी से। और इस पार्क में जो बच्चे शाम को खेलते थे आके, जो हमारे सीरी बाजार में पार्क है, शाम को बच्चे यहाँ सराफ मोहल्ला के यहाँ नीचे हमारे अपने गली में से बच्चे शाम को आके खेलते थे, उनका बुरा हाल है। हाथ नहीं नीचे लग रहा है, गेट का बुरा हाल है। तो इसलिए सरकार को थोड़ा गौर करना चाहिए, जो स्ट्राइक पे बैठे हैं उनको मनाया जाए, किसी तरीके उनको वापस लाया जाए या उनके जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए, तो तभी जाके ये सब होगा, वरना हमें खुद सफाई करनी पड़ेगी। इसका और कोई रास्ता तो है नहीं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि यहाँ बोलने की जरूरत तो है नहीं मुझे अपनी पब्लिक को कि क्या हाल है हमारे इस भद्रवाह का। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कम से कम यार इतना तो करो, इसके बारे में बात तो करो, आगे बात तो उठाओ। यहाँ पे सारे लीडर है, हर घर में लीडर है, तो कम से कम एक लीडर तो ऐसा निकले जो आगे इन गरीबों के बारे में भी बात करें। अगर ये लोग स्ट्राइक पे गए हैं तो इनके भी कुछ ना कुछ मुद्दे ही होंगे, तभी ये स्ट्राइक पे गए हैं। तो आपको पता है कोई अपने रिजक काटना नहीं चाहता है। अब ये लोग अगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, डेली वेजर्स हैं, इनको तनख्वाह तो इस चीज़ की मिलनी नहीं है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है इनकी भी। और सबसे सबसे पहले एक ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपनी इस पब्लिक को, भद्रवाह की आवाम को। भद्रवाह क्या ये ऑल ओवर जेएंडके का शायद आज मसला चल रहा है, तो पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ जुड़ो, इनकी भी सपोर्ट करो, ये भी हमारे ही भाई हैं, ये भी हमारे लोग हैं। कहीं ना कहीं अगर ये लोग बैठ गए और हमारा सब कुछ ठप हो गया है, बाहर से आप हाल देख लो, आपको पता ही होगा, आप ज़रा खुद ही पर्सनली देख लेना, इस चीज़ पे गौर करना कि क्या हाल है हमारे इधर शहर का, क्या हाल है और अपने ये जो म्यूनसिपल कमेटी के एरियाज हैं, जो हमारे वार्ड हैं हमारे 1 से लेके 13 तक के, जहाँ पे डस्टबिन वगैरह लगे होते थे उन एरियों का आप हाल देख लेना, वहाँ से गुजरा नहीं जाता है, ऐसा इतना बुरा हाल है। अब अपने जो हमारे CM साहब हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि ये जो हमारा एक तकबा है, सफाई कर्मचारी हैं, इनके पर गौर करें, ये हमारे लोग हैं, इन्होंने आपका सपोर्ट किया है, वोट किया है आपको, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचें।